नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता कहार आप सबका स्वागत करती हूँ कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में। तो आप सबको सबसे पहले तो मैं कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास के बारे में एक परिचय करा देती हूँ। ये जो हमारा चैनल है, ये सारे जितने भी बेसिक जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, जो बॉटनी जूलॉजी जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यह जो हमारा वीडियो होगा, हमारी जो वीडियो सीरीज़ होगी, उसमें हम बेसिक साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। गाइस, अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पे, बेसिक साइंस के किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत आती है, तो हमें डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि हम दूसरे दिन ही उसको देखते उस पर चर्चा करेंगे। गाइस, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरी जब वीडियो आए, हमारी सीरीज़ आए, तो आप तक सबसे पहले वो पहुँचे, वो नोटिफिकेशंस पहुँचे। गाइस, तो जो हमारा कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास है, यह सबसे पहला वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये जो वीडियो होगा, इसमें हम बात करेंगे गाइस, ब्लड जो ग्रुप होता है वह किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। गाइस, सो लेट्स स्टार्ट कि क्या होता है ब्लड ग्रुप। ओके, तो देखो गाइस, आपको कुछ नहीं समझना है, ये सीधी सीधी सी बात होती है कि ब्लड ग्रुप जो क्लासिफिकेशन होता है, हमारा ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है, उसे आरबीसी में प्रेजेंट, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अर्धपारगम्य झिल्ली झिल्ली कहते हैं, उसके ऊपर में एंटीजन जो लगे होते हैं, उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप को कौन को क्लासीफाई किया जाता है, उसको वर्गीकृत किया जाता है कि ब्लड ग्रुप ए ग्रुप होगा, कि ब्लड ग्रुप बी ग्रुप होगा, कि ब्लड ग्रुप ए बी या ओ ग्रुप होगा। ओके, तो इस बेस पे किया जाता है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो हमारे इस सीरीज़ पे बने रहिए कि आप ब्लड ग्रुप को क्लासिफिकेशंस को समझने के लिए आप इस ब्लड आप इस वीडियो पे बने रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो सबसे पहले हम ए बी ओ कॉन्सेप्ट के बारे में समझे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लड ग्रुप को समझना इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ब्लड ग्रुप से जो क्वेश्चंस है आपके जनरल साइंस में, ये क्वेश्चंस जो है आते ही हैं। ओके, और ब्लड तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ले लीजिए यूपीएससी, एसएससी, ओके, और आपका पीएससी, पीएससी में आपका छत्तीसगढ़ स्टेट और आपका एमपी स्टेट, किसी भी स्टेट के पीएससी लेवल पे, आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पे, व्यापम के क्वेश्चंस पे, ब्लड पे एक क्वेश्चंस आता ही है। ओके, और सबसे पहली बात, ब्लड जो है क्या करता है, यह जो है ऑक्सीजन को आपके बॉडी बॉडी टू बॉडी ऑर्गेन में क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करता है, यही जो है आपको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो हमें इसके बारे में जानना जरूरी है, आइदर यू गो फॉर एग्जाम और नॉट। ओके, ये इम्पॉर्टेंट नहीं करता है। तो हम देख लेते हैं गाइस कि ब्लड का जो ग्रुप है का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो ब्लड जो होता है एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जो ब्लड होता है इसके तीन कंटेंट होते हैं, आप या उसको आप बोल सकते हो इसके तीन से चार भाग होते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स, ओके, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और आपका प्लाज्मा, तो इसमें बांटा गया है। इसके बारे में हम गाइस दूसरे वीडियो पे बात करेंगे, अभी हम इस पे इस वीडियो पे बने रहे, इसमें हम सिर्फ बात करेंगे कि इसको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई आरबीसी रेड ब्लड सेल इरिथ्रोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट उसके एंटीजन के बेस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे आरबीसी एंटीबॉडी और एंटीजन के बेस में किस तरीके से आप डिफरेंट बेसिस पे आप इसको बांट सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ए के बारे में। तो जो ब्लड ग्रुप ए ह्यूमन बीइंग होता है, उसके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। ओके, और उसकी प्लाज्मा में, ओके, जो कि ब्लड में रहता है एंटीबॉडी, उसमें एंटीबी रहता है। ओके, जस्ट अपोजिट रहेगा, जबकि एंटीबॉडी जबकि जो ब्लड ग्रुप बी ह्यूमन रहेगा, उसमें जो है एंटीजन बी रहेगा, और उसके जस्ट अपोजिट प्लाज्मा रहेगा या एंटीबॉडी रहेगा, जिसको हम एंटी ए कहेंगे। और आप देख सकते हो जो ब्लड ग्रुप ह्यूमन ए बी ग्रुप रहेगा, उसमें क्या रहेगा, इसमें ये जो है आपका दोनों तरीके का एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में।
जबकि जो एंटीबॉडी है उसके प्लाज्मा में किसी भी तरीके के एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं जो ए बी है वो किस तरीके से ए ग्रुप वाला ए एंटीजन रखेगा, बी ग्रुप वाला बी एंटीजन रखेगा, जबकि ए बी ग्रुप वाला ए बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे। ओके, जबकि ओ ग्रुप वाला जो ह्यूमन बींग रहेगा उसमें क्या रहेगा गाइस, आप देख सकते हो किसी भी तरीके का एंटीजन उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, ना ही ए प्रेजेंट होगा ना ही बी प्रेजेंट रहेगा। एंटीजन जो आरबीसी की रिथ्रोसाइट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसमें किसी भी तरीके के एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे, जबकि उसके प्लाज्मा में, उसके ब्लड प्लाज्मा में दोनों तरीके के एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगे, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसीलिए जो ओ ह्यूमन ग्रुप रहता है ये क्या करते हैं कि सभी ह्यूमन ग्रुप को जो है ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ए बी के पास दोनों एंटीजन होने की वजह से ये क्या कर सकता है, सभी तरीके का जो ब्लड ब्लड रहता है, ब्लड ग्रुप रहता है, चाहे वो ए हो बी रहे या ओ रहे, ओके, वो सबसे ले सकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ए बी जो ब्लड ग्रुप ह्यूमन ग्रुप रहता है इसे क्या कहते हो आप, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हो। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एंटी ग्रुप ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी और ओ को उसके इरिथ्रोसाइट में, ब्लड के इरिथ्रोसाइट आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एंटीजन के बेसिस पे उसको ए बी और ओ का नाम दिया जाता है। ओके, इन इन सब के अलावा एक और एंटीजन होता है जिसे हम कहते हैं एच एंटीजन। ओके, तो जो एंटीजन होता है ये बेसिकली आप देख सकते हो लार्ज नंबर पे ओ ग्रुप ह्यूमन में रहते हैं, जबकि कम से कम आपका ए बी रहता है। और ये एंटीजन, एच एंटीजन क्या होता है कि ये एक तरीके का प्रिकर्सर होता है आपके एंटीजन ए और बी को बनाने के लिए। ओके, और ये कॉमनली जो है ए बी ओ ग्रुप में पाए जाते हैं। तो आप देखें कि इस तरीके से ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर आपको लगता है कि यह जो है आपको सीधी तरीके से किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है आपका वीडियो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट जो सीरीज़ होंगी ब्लड की कॉन्सेप्ट पे, वो उसमें हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप का डिफरेंट जो है कंटेंट है, उसके कंपोजिशन है, उस पर बात करेंगे गाइस। और इसमें बात करेंगे यूनिवर्सल डोनर एक्सेप्टर और जो आरएच फैक्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो गाइस इस तरह से हमने देखा कि आज ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किस तरीके से किया जाता है। तो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।